मौजूद हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। राजस्थान में एक वर्ष बाद तबादलों को लेकर बैन हटा है, तबादलों को लेकर बात करना चाहेंगे सर से। सर, प्रदेश में एक वर्ष के बाद तबादलों को लेकर बैन हटा है और अब क्या रणनीति रहेंगी, कैसे क्या तबादले होंगे? रणनीति न तो रण हो रहा है, नीति भी नहीं रण की। देखो, बैन हटा है तो अभी शिक्षा विभाग में तुम स्थानांतरण करेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है और ऐसे समय में स्थानांतरण करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे छात्रों का नुकसान होता है। जहाँ तक पंचायत राज का सवाल है, वहाँ कुछ ट्रांसफर जो बहुत आवश्यक होंगे उनको हम करें। सर, प्रदेश में लंबे समय से थर्ड ग्रेड के शिक्षक पिछले 5 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं ट्रांसफर की। उनसे पूर्ववर्ती सरकार ने आवेदन भी लिए थे, तो क्या इस बार थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के ट्रांसफर हो पाएंगे? इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होगा। इन जो तबादलों में बैन हटा है उनमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले थोड़ी होंगे? नहीं, सब पर हटा है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनके बारे में जिलेवार भर्ती हुई थी और जिलेवार मेरिट बनी थी, तो ये निर्णय सरकार का था, माननीय मुख्यमंत्री जी का था तत्कालीन, तो इसी से भी अब निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, एक और सवाल, कैबिनेट की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजायर सिस्टम बंद करने की बात कही थी, तो क्या इन तबादलों में डिजायर सिस्टम चलेगा? विषय मंत्रिमंडल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, ये आपको नहीं बता सकते हैं।